दिल्ली की गद्दी के लिए यूपी की अहमियत, जो यूपी जीतेगा वही सत्ता पर आसीन होगा। सीएम योगी और अखिलेश यादव में मचा घमासान, ट्वीट करके कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। देश में आगामी लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। माना जाता है कि देश की सत्ता की बागडोर की कमान उत्तर प्रदेश फतह करने के बाद ही मिलती है। इसी वजह से यूपी के दो दिग्गजों के बीच एक तरह जंग शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे पर ट्वीट से वार कर रहे हैं, इसलिए इसको ट्वीट वार कहा जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अपनी नाकामियों से भागने के लिए विपक्ष की ही बातें करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों, शिक्षा प्रेरकों और टीटी धारकों को चौकीदार नहीं बल्कि स्थायी रोजगार चाहिए। तो सीएम योगी ने पलटवार किया और कहा कि जनता खानदानी भ्रष्टाचारियों को उनके कुकर्मों की सजा देगी। तो अखिलेश ने ट्वीट किया, विकास पूछ रहा है क्या भाजपा के 5 साल के शासनकाल में उनकी अपनी कोई भी सकारात्मक उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा, जनता के आक्रोश और हार के डर से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गर्मी का बहाना बनाकर चुनाव प्रचार से बच रहे हैं। योगी ने अपना ट्वीट बार छोड़ा, भ्रष्टाचारियों के कुकर्म सामने आ रहे हैं, इन्होंने जनता को लूटा है। माननीय न्यायालय इन खानदानी भ्रष्टाचारियों को उनके कुकर्मों की सजा देगी। उन्होंने जनता का आह्वान करते हुए ये भी कहा कि इनसे सावधान रहिए, ये जेल जाने से बचने के लिए आपको जाति धर्म के नाम पर बांटेंगे। चौकीदार के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। तो यूपी फतह को लेकर सीएम और अखिलेश दोनों एक्शन मोड में हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति का इतिहास यही कहता है, जिसका यूपी दिल्ली की सत्ता भी उसी की।